को अगर होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है कि आपको कंप्लीट करना है, वो आप नहीं कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट तो मत करो कि फिर आप अच्छा रैंक लेके आओगे या आप बहुत बढ़िया करोगे। अपने आप को झूठा दिलासा देना बंद कर दो, ठीक है? इट वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। आपको एक चीज कंप्लीट करने को बोला था, आपको कंप्लीट करना था, 7 दिन का टाइम दिया था, क्या कितना टाइम दो और आपको क्या चाहते क्या? और उसके प्रॉब्लम पता है उसमें क्या है? अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, जो कर रहे हो उनका भी आप नुकसान करवा रहे हो, है ना? क्योंकि जो कर रहे इतना फाइट मार रहे हैं, उन लोगों के डाउट्स में डिस्कस करो। या आप अभी देखो यहाँ पे कितना है, 20 लोगों ने किया है, 150 में से 150 में से 20 लोग, यानी कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट लोग हुए जिन्होंने होमवर्क किया है? 145 में से 21, कितना? 13%। सोहम 13, चलो कुछ लोग हाथ नहीं उठाते, मान ले 15%। 15% लोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग मत आओ ना क्लास, क्यों? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत आओ, कोई जरूरत नहीं। हाँ अरे मेरे को बताओ, कोई कुछ प्रॉब्लम रहा, जो भी रहा, 7 दिन थे ना आपके पास, है? 7 दिन पहले डिस्कशन हुआ था, मेरे को तो कोई मजा नहीं आ रहा ये सब करने में कि भैया आपको बैठा के डांटो चिल्लाओ। अगर आप सच में बैठ के करना चाहते थे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें था ही नहीं। तीन तीन आपको तो मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे के, एक्स्ट्रा सारी चीज करके, आप लोगों को क्या है, फ्री में सब पैम्पर करते रहते हैं। हाँ भैया ये कर लो, वो कर लो, तुमको बोला जा रहा है पढ़ लो। अब नहीं पढ़ना है, नहीं होना है तो फिर मत दो ना यार, ये सब टाइम वेस्ट क्यों करते हो? फिर समझ लो, अपने आप को बोल दो कि भाई ठीक है, भाई तुम्हारा नहीं होना है तो फिर अब फाइट नहीं मारेंगे। क्योंकि क्या है, क्या बोले, तुम्हारी जिंदगी है यार, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा डिसीजन था एक एग्जाम देना है, एग्जाम दे के कुछ बनेंगे करेंगे। हमने तो नहीं बोला, हमने आके कहीं कहीं जबरदस्ती किया था कि नहीं नहीं तुम ये एग्जाम दो, बड़े होनहार हो। लेकिन अब अगर डिसीजन लिया है, अपने जिंदगी का 1.5 साल वेस्ट कर दिया है, तो एटलीस्ट कम एटलीस्ट लिव विद इट, कम से कम कोशिश तो करो। क्या एक्सक्यूज देना चाहते हो? कुछ एक्सक्यूज दो ना, बढ़िया वाले एक्सक्यूज मैं सुनना चाहता हूँ। किसी का कॉलेज का कुछ बाकी था क्या? बोर्ड्स की तैयारी हो रही थी, फिजिक्स मैथ्स की हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं, हमको तो केमिस्ट्री पसंद नहीं, हम फिजिक्स मैथ्स से निकाले, ऐसा भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कॉन्फिडेंस वाली बात है, अच्छी बात है ना? क्योंकि एटलीस्ट जिन्होंने होमवर्क किया है, जितने 23 लोगों के भी हैंड रेस है, मतलब इन्होंने होमवर्क किया है, मतलब ये चाहते हैं कि भाई यहाँ से जो भी है जितना भी निकाल सके, हम यहाँ पे भी मेहनत करके मार्क्स निकाले। बाकी लोग नहीं निकालना चाहते, क्या कर सकते? बट एटलीस्ट फिर ये तो ना करो ना मैं कि तुम लोगों के चक्कर में, बाकियों के चक्कर में ये लोग जो एफर्ट डालना चाहते हैं उनका टाइम वेस्ट होने दो। आप नहीं पढ़ने वाले, आपको तो बस क्या है, क्लास में बैठना है, टाइम पास करना है, क्लास में आके अरे नोट्स बनाएंगे हम, ये करेंगे हम, वो करेंगे। फिजिकल क्लास, तुम लोग फिजिकल क्लास भी कंपलसरी इसलिए आते हो, है? अगर कोई बोल दे जरूरी नहीं है तो कोई आओगे नहीं। यहाँ पे भी पता नहीं क्या ना अटेंडेंस होता है, इसलिए बैठते हो कि क्या है? सबमिट करना बाकी है नहीं बाकी है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने अगर किया है तो हैंड रेस, अगर तुमने चलो 50 60% भी किया है तो हैंड रेस।
60% होमवर्क भी अटेम्प्ट किया था हंड्रेड का, करीब 40 लोग हैं जिन्होंने 60% अटेम्प्ट किया। तो खत्म करने में क्या क्या एक्स्ट्रा, कुछ रिश्वत खाने के बाद करते क्या है अपने आके? क्या तुम रोड कंस्ट्रक्शन वाले लोग हो क्या? रिश्वत नहीं मिलती तब तक पूरा काम नहीं करेंगे, आधा रोड छोड़ देंगे। तुम्हारी तो लाइफ है, कोई हर कोई ये तो बोल बताता ही होगा ना यार। और किसी का फायदा नहीं है इससे, आप ही का है। और ऐसा भी नहीं, लास्ट टाइम ये भी समझाया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से ऑर्गेनिक पढ़ के क्लास में कुछ एकदम ऐसा समझ में आ जाएगा कि जिंदगी के तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे ना। इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट, आपको सीखना है, स्कोर करना है, मार्क्स लाना है, बिकॉज देर इज सम एग्जाम विच इज गोइंग टू डिसाइड इन जस्ट 3 आवर्स वेदर यू आर केपेबल और वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एंटरिंग अ कॉलेज विच इज सो कॉल्ड रेप्यूटेड, है ना। तो बस देख रहे हैं, 3 घंटे की एग्जाम है जो डिसाइड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी। उसके बाद आपको जिंदगी में क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे इसके बारे में तो आपको ज्यादा पता है मेरे से, सबने रिसर्च तो करके रखा है, सबने सारी कहानियां सुनी। चलो देखो भाई, तुमको नहीं करना है करो नहीं, मतलब आप अटेंड ना भी करो ना क्लास, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस किसी को भी होमवर्क नहीं करना है, आप अगर क्लास ना अटेंड करो तो भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है आपका अटेंडेंस लो है तो मैं बात कर लूंगा आपके लिए, बोल दूंगा कि नहीं भाई इनको बिजी है, जबरदस्ती ना करें। ढाके बोल रहा है 7 चैप्टर एक रात में पढ़ने बैठा था तो बाकी 40% रह गया, विल सबमिट इट बाय टुमारो आफ्टरनून और इवनिंग कॉज मंडे को केमिस्ट्री का पेपर। अरे ढाके कर मत कर, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो क्या ही मतलब है। मेरे को कोई कोई मतलब खास मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों का अगर नहीं होता तो मेरा कोई खास नुकसान भी नहीं है, ठीक है। तुम लोगों का हो गया तो भी मेरा कोई खास फायदा भी नहीं है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आई कैन जस्ट कीप ऑन कीप गोइंग ऑन है, अपने दिल को दिलासा देने के लिए तो पढ़ाता ही रहूंगा, मेरे को क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर, क्या करें, डिस्कशन का कोई फायदा नहीं क्योंकि कितना है मतलब 30% लोगों ने होमवर्क किया है, बाकी 30% ने होमवर्क ही नहीं किया, हाथ ही नहीं लगाया, तो क्या डिस्कस करके भी अपन क्या ही उखाड़ ले है? किसी को डिस्कस करना है तो बता दो, ऐसे जिन्होंने किया यार उनका क्यों टाइम अपन वो होने दे। जिसको डिस्कस करना है, जिसको भी डाउट है आप अपना डाउट, अरे सॉरी वॉरी नको रे, सॉरी वॉरी नको है, संतरा भेज देना मेरे घर पे, संतरे का खंभा, मैं खुश रहेगा। होमवर्क है, जिसको डाउट है डाउट शेयर करो, ठीक है। बाकी लोग चिल मारो यार, कोई इशू नहीं, सुहानी शाम है। टॉपिक 2 क्वेश्चन 7। अच्छा 1 सेकंड, मेरे को थोड़ा सा आप ये बताओ, आप 41 ईयर PYQ से सबने अटेम्प्ट किया है क्या? कोई एक बार वो टैग कर देगा मेरे को। है मेरे पास है, जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड। टॉपिक 1 क्वेश्चन 8, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। टॉपिक 1 से शुरू करते हैं, एक बार प्लीज टैग कर दो ना। इसमें ग्रुप में एक बार टैग कर दो जरा। नहीं ठीक है, मिल गई मेरे को।
नंबर बता सकते हैं मुझे? पहले एक काम करें, जेई वाले पहले कर लेते हैं। नीट वाले भी लोग भी किया है क्या? नीट वाले लोगों ने होमवर्क किया है? कोई है नीट वाला जिन्होंने होमवर्क किया है? कि नीट वाले ऐसे सोचे मजाक कर रहे हैं सर, उनको क्या किया है नीट वालों ने? अच्छा चलो ठीक है, 322, 321। नीट वालों का तो एक्चुअली ज्यादा फायदा है करके, क्योंकि अरे ये तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन में चले गए। हाइड्रोकार्बन, ठीक है सब लोग प्लीज थोड़ा देखते रहो। नीट वाले ये भी देखो जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, काफी काफी सही है। मतलब शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, कार्तिक का कहना है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ही डाउट है कार्तिक, फर्स्ट? ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा ना, मैं थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी। वो भुवन बाम का ढिंडोरा का किसी ने एपिसोड देखा क्या? पहला एपिसोड है, किसी ने देखा क्या? कितनों ने देखा? बढ़िया बनाया यार एकदम। हैंड रेस करना जिस जिसने एपिसोड देखा, फर्स्ट एपिसोड भुवन बाम का ढिंडोरा, यार बहुत बढ़िया बनाया, मजा आ गया मैम एकदम। कितना देखा? हैंड रेस करो। कितने लोगों ने देखा? बस इतने लोगों ने देखा, 15-16 लोग? क्या बात कर रहे हो, ये जितनों ने देखा इन्होंने होमवर्क किया क्या? हाँ, ये जितने लोगों ने हैंड रेस किया इसमें से होमवर्क कितनों ने किया? सही है। पहले क्वेश्चन में दिया इन द फॉलोइंग, सबको क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं मैं नहीं पूछूंगा, डिंडोरा के लिए टाइम कहाँ से आया? ब्लड रेड का वीडियो नहीं आया, ले भाई अश्वथ इंस्टाग्राम पे डाला था मैंने, यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। भेजूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम पे भेज दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर वन, तो आपको क्या पूछा गया है? द फॉलोइंग इज दिस क्यूब फॉर्मेशन ऑफ इथेन, एच डैश और एच डबल डैश का डाईहेड्रल एंगल पूछा गया है। एच डैश और एच डबल डैश का डाईहेड्रल एंगल पूछा है। दिस इज एच डैश, ठीक है, यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे आपका एच डबल डैश है, ठीक है। आपको दिया है ये एंगल, आपको दिया हुआ है कितना? 29 डिग्री। और आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है, आपको बताना है ये एंगल कितना है। सही बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? स्क्रीन बड़ा करो, कैसे बड़ा करूँ रे? कौन सा स्क्रीन बड़ा करो? जूम, आप जूम कर सकते हो ना। अरे यार देखो साहिल बोल रहा है जूम कर सकते हो, फ्री में बाकी लोग क्यों टाइम पास करते हैं? जिसको दिख रहा नहीं है स्क्रीन को जूम करके देख लो,
तो ये एंगल आपसे पूछा गया है, ये एंगल कितना है, ठीक है, एच डैश और एच डबल डैश का ये 29 दिया है। तो कैसे सॉल्व करें इसमें, है ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है क्या? अगर आप ऐसे तीन तीन ये देख रहे हो तो ऑब्वियसली तीनों इक्वी डिस्टेंस है, तो अपन अज्यूम करते कि 120 डिग्री अपार्ट होंगे, है किसका डाउट था ये, डाउट किसका था रे? तो अगर मैं ये एच और ये एच डबल डैश के बीच का एंगल देखूं तो ये 120 डिग्री होगा, साइड से देख रहे हो ना, डाउट कौन पूछा था? सिंपल आंसर, इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, 149 डिग्री होना चाहिए, समझ में आया क्या? डाउट किसने पूछा, भूल गया। तो हार्दिक, चलो ठीक है, डन कार्तिक, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऋषिकेश का डाउट है सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ के पहले और कोई क्वेश्चन किसी का डाउट है? सेवेंथ के पहले देवेश का सिक्स्थ है, तुहिन का एट्थ है, सिक्स्थ के पहले और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सिक्स के पहले किसी का कोई डाउट नहीं है ना? फोर्थ डाउट है, अरे टॉपिक टू का क्वेश्चन नंबर वन, साहिल रुक जाना, जब आएगा तब बताना ना, डागे का क्वेश्चन नंबर फोर डाउट है, वैसे लास्ट है, अभी फोर के पहले वाला कोई डाउट नहीं लूंगा, चार चार बार पूछने मत लगाना। Cl2H2 डाला है, एन आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आपको बने C5H Cl, C5H Cl का मतलब क्या है, मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, और फिर मोनोक्लोरिनेशन करके जो प्रोडक्ट मिला एम, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो एम आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिले, तो व्हाट आर एन एंड एम, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्लोरिनेशन किया, मोनोक्लोरिन, ये किस किसका किस किस को डाउट नहीं है, ये जो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्वेश्चन, अब यहाँ बैठे हो तो कम से कम सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास ये कंपाउंड है जिसका मोनोक्लोरिनेशन किया, एक सीएल जुड़ने वाला है, ठीक है, और बोल रहे एन आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले। अब आप देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद आपको एम आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, आई हैव कंफ्यूजन इन सोल्युबिलिटी, रुक जाओ, अपन ये क्वेश्चन में पहले फोकस करते हैं। डा के तेरा एन आइसोमेरिक प्रोडक्ट का आंसर आया क्या? क्यों नहीं आया? फ्रैक्शन डेस्टिनेशन विद सेपरेट पोजीशन आइसोमर्स बट नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, सही बात है प्रणव, एनेंशियोमर सेपरेट नहीं होते फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन में, ठीक है। डहा के तेरे को मोनोक्लोरिनेशन नहीं आता, ये चार अलग प्रोडक्ट बनेंगे मोनोक्लोरिनेशन के, अरे क्या बोल रहे हो, वीडियो ऑफ, मेरा वीडियो ऑफ हो गया क्या? लो भैया, वीडियो ऑफ नहीं होगा, मैं ही दिखूंगा, ठीक है। हाँ भाई, चार 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 दिख गए क्या? ये चार पोजीशन है जहां पे मोनोक्लोरिनेशन होगा। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल है, एक्टिव कौन सा है, ये देखो, ये मोनोक्लोरिनेशन के बाद आपका ये पोजीशन ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक
किया है, ये एग्जाम्पल अपन ने क्लास में किया है, याद आ रहा है? ये वाले में मोनोक्लोरीनेशन के बाद ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, सही बोल रहा हूँ? तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव है उसका प्लस वन कर दो, तो दिस प्लस वन, टोटल हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स? सिक्स होंगे, उससे ज्यादा है क्या? डहा के तेरे को थोड़ा थोड़ा इसलिए याद आ रहा है ना क्योंकि तेरा फोकस नहीं होता क्लास में। क्या कर सकते हैं अभी अपन? सोशल मीडिया यूजेज थोड़ा कम कर दे, मजाक नहीं कर रहा हूँ तेरे को। फोन पे जितना भी फालतू की चीज करने के लिए टाइम स्पेंड करता है ना, वो कम कर दे। बाकी तो तेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद व्हाट आर एन एंड एम पूछा जा रहा है, क्या मिलेगा? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको क्या मिलेगा? आपको ये पूरा एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा और ये एक प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों एनेंशियोमर तो एक ही प्रोडक्ट की तरह मिलेंगे ना, तो एक्चुअली छह आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो आपको चार मिलेगा, जिसके करेक्ट आंसर होगा बी, बॉम्बे। आगे बढ़े, सबको क्लियर है ये जिसका भी डाउट था? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन? यही तो था टू मिथाइल ब्यूटेन, ये टू मिथाइल ब्यूटेन ही था ना। सेम क्वेश्चन है, किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया क्या डाउट क्लियर? ठीक है, चलो इसका आंसर क्या बी, बॉम्बे होगा ना, चार मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है ना। साहिल का सवाल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? तो साहिल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब यार डिस्टिलेशन है तो मोस्टली बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हो तो कोई भी कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर अलग है उसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ भी डिफरेंस होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ भी डिफरेंस है तो उसका मतलब ये है कि अब आप उसको, अब आप कुछ भी बोल सकते हो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू बट जस्ट से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, शायद इसका 63 है, शायद इसका 58 है और शायद इसका 74 है, मुझे नहीं पता, मैं कोई गलत, मतलब गलत भी हो सकता है। अब एनेंशियोमर्स जो होते हैं उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है? तो जब आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर रहे हो तो आपको ये चार टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट आउट होते हुए दिख गए, बट आप एनेंशियोमर सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगेगा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करने पर लगेगा कि हाँ इसमें सिर्फ चार ही कंपाउंड, ठीक है? देवेश बोल रहा है आंसर सिक्स है क्या? हाउ मेनी काइरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन? तो काइरल कंपाउंड तो बी होगा ना, चार ही होने चाहिए ना, है? टोटल चार नहीं होगा क्या आंसर? आंसर क्या दिया है इसका? आंसर सिक्स दिया है, आंसर सिक्स क्यों दिया? सब लोग आंसर चेक करो, विल एंटायर सॉल्यूशन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव? हाँ, मतलब अगर एनेंशियोमर है तो सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे दोनों है तो, अगर सिर्फ कोई एक ही बना होता तो बात अलग होती ना, मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हो तो दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। आंसर सी की है, दिया है, सी तो नहीं होगा, काइरल कंपाउंड बोला है ना, काइरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन। काइरल इसमें से केवल चार है, ठीक है?
ये और इसका एनेंशियमर, ये और उसका एनेंशियमर, बस यही चार कायरल है। आंसर 6 है तो गलत है, ठीक है, चार ही होगा आंसर, होगा गलत आंसर भी रहते हैं इसके पीछे। चलो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट? एट है ना, तुहिन का डाउट है। एट, बेंजाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोलुइन बाय क्लोरीनेशन विद, इसमें क्या इश्यू है तुहिन? आपको ये देखना होगा कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन यूज कर रहा है, ठीक है। SOCl2 तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, NaOCl तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीनेट नहीं करेगा तो क्लोरीन ही रहेगा, ठीक है। SOCl2 तुहीन इसके साथ करेगा, अल्कोहल के साथ करेगा। SO2Cl2 जो है, SO2Cl2 एक्चुअली कर सकता है, ठीक है, फ्री रेडिकल एट बेंजाइलिक पोजीशन, क्लोरीन तो करेगा। SO2Cl2 जो है ना, उसके करने के लिए उसमें नहीं, SO2Cl2 कुछ और मैकेनिज्म करता है, फ्री रेडिकल तो फॉर्म करता है SO2Cl2। SO2Cl2 क्या करता है, याद करो जरा। SOCl2 तो क्लोरीनेशन अल्कोहल का करेगा, ठीक है। SOCl2 तुहीन SOCl2 ROH के साथ करता है, याद कर, PCl5 PCl3 SOCl2 क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, साथ में SO2 बन जाता है ना, डार्जन डार्जन रिएक्शन, सही बात है। टोलुइन के साथ वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि SOCl2 के ऊपर OH जब अटैक करता है, समझ रहे, तब जाके उसका सीएल अलग हो रहा है। SO2Cl2 को लेके एक्चुअली मेरे ख्याल से हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया, लेकिन SO2Cl2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है, लेकिन इसका मेरे को रिएक्शन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। SO2Cl2 मैंने नहीं बताया, क्योंकि आपको SO2Cl2 एक बार सर्च करते रहो। क्या था SO2Cl2 का रिएक्शन? SO2Cl2 भाई, SO2Cl2 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो करता है यार। SO2Cl2 एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा, बट कैसा? पूरा मिथाइल ग्रुप निकालता है? नहीं, पूरा मिथाइल नहीं डालता, ये फ्री रेडिकल बनाता है। ओ माय गॉड, खराश खराश इफेक्ट वाले खराश है क्या? अच्छा देखो, ये दिखा रहे हैं कि एल्कीन करता है रिएक्ट, SO2Cl2 एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है बोलते हैं,
एक सेकंड सही से सर्च करता हूँ। SO2Cl2 रिएक्शन विद एल्केन। SO2Cl2 तो क्लियर है ना, क्यों नहीं करता? विद अराइल ग्रुप्स वी नीड। SO2 टॉपर बनना है कि खरीदो? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन इनिशिएटर। अच्छा, SO2Cl2 के साथ पेरोक्साइड डालना पड़ेगा ताकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, लेकिन एल्केन के साथ क्लोरीनेशन तो करता है। एट का आंसर ए एंड सी दोनों होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें SO2Cl2 के साथ पेरोक्साइड नहीं दिया, शायद ये रीजन हो सकता है, लेकिन फिर क्लोरीन के साथ भी HNO नहीं दिया है। SO2Cl2 क्योंकि क्लोरीनेटिंग एजेंट तो है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही करता है, इसलिए बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन होगा, ठीक है? ये देखो, ये रिएक्शन देखो, CH4+SO2Cl2CH3Cl+SO2+HCl। इट इज इनिशिएटेड बाय केमिकल्स यूजुअली अ पेरोक्साइड। परफेक्ट है। SO2Cl2 कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीनेटिंग एंड अल्केन क्लोरीनेशन एंड इट गोज थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दैट आल्सो वी आर श्योर। आंसर मेरे हिसाब से ए और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है प्रणव? ए एंड बी, बी नहीं हो सकता लेकिन सी तो हो सकता, ए तो हो सकता है, ठीक है? हाँ भाई, सब लोगों को ये क्लियर है? SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्लोरीनेशन करा सकता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एट के बाद नेक्स्ट डाउट किसका था? एट के बाद अगला डाउट, एल्केन्स के साथ करेगा, मे नॉट मीन अराइल के साथ भी करेगा। नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते ऋतुजा। एल्केन्स के साथ करेगा तो हाँ, हो सकता है अराइल के साथ ना करे, हो सकता है करे, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो बेंजाइलिक पोजीशन पे करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अक्षय का डाउट है 14, 14 से पहले और किसी का? श्रिया का 14, तुहिन का 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 14 से पहले कोई इग्नोर। Which of the following compound does not dissolve in concentrated H2SO4 even on warming? क्या है इसका आंसर? सी होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली है। एक्से नहीं होगा क्या? है आंसर क्या दिया इसका? सी दिया है ना? इसमें डाउट क्यों है? इथिलीन जो है अल्काइन है, अल्काइन तो रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ। किसका किसका डाउट है? मंदार का, तुहिन का, श्रिया का और अक्षय का। मैं डाउट नहीं समझा, 14 में डाउट क्या है एग्जैक्टली? एनिलीन तो रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, NH2 है, रिएक्ट कर जाएगा तो डिजोल्व हो जाएगा। बेंजीन का आप सल्फोनेशन करवा सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तुम्हें बोल रहा है इन रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट्स फॉर्मिंग सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड बना रहा है। सल्फानिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ? SO3H लग गया होगा इसके ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली सल्फानिलिक एसिड ये होगा। मेरे को श्योर नहीं पता, नाम मेरे को याद नहीं है,
ये हो सकता है सल्फानिलिक एसिड। अब इसमें भी ऐसा होगा कि SO3 के ऊपर माइनस रहेगा और इसके ऊपर NH3+ रहेगा, ठीक है। पैरा पे क्या, हाई टेम्परेचर पे पैरा पे होगा, हाँ ठीक है, और तो पैरा जैसा भी है यही होगा सल्फानिलिक, ठीक है। अक्षय बोल रहा है व्हाई डजंट हेक्सेन रिएक्ट, इसका रिएक्शन एब्सेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या। हेक्सेन में कोई है ही नहीं ना, स्कोप नहीं है ना, आप हेक्सेन और एसिड में क्या रिएक्शन करवा दोगे, ऐसा कोई रिएक्शन ना तो हमने पढ़ा है और ऐसा कुछ है भी नहीं, गैस है निकल जाएगा उसमें से, गैस में मोस्टली लिक्विड भी हो सकता है हेक्सेन, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, जिस जिसका डाउट था सबको क्लियर हुआ। बेंजीन सल्फोनेशन अल्काइन इथिलीन H+ पे अटैक कर देगा, है ना, तो H+ पे अटैक कर देगा तो जो भी होगा कुछ तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, एनिलीन भी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। श्रिया का क्लियर हुआ, अक्षय प्रणव तुहिन तुहिन का क्लियर हुआ, ठीक है। 14 के बाद फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन कार्तिक तू क्वेश्चन वन टॉपिक टू बोलना चाहता है क्या? हाँ भाई क्वेश्चन देखो 2019 मेंस का क्वेश्चन है, अरे 20 के क्वेश्चंस है नहीं यार इसमें। अगर तुम लोगों को 41 के जगह पे 42 इयर्स मिलती है ना तो ले लेना प्लीज, ठीक है। फिजिकल कॉपी मिले फिजिकल कॉपी ले लेना, 2020 के क्वेश्चंस उसमें देखने मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि चार चार एग्जाम हुए हैं ना, काफी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर PDF मिल जाए तो शेयर कर देना सबके साथ। चलो पहला है Ag2O के साथ प्रेसिपिटेट, दूसरा है Ag2+ H+ फिर NaBH4 फिर ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट मेरे को क्या बता रहा है, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट बोले तो क्या, बाकी छोड़ दो टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। 2 डिग्री अल्कोहल सबको क्लियर है, लुकास रिएजेंट 3 डिग्री नहीं, ऋतुजा 3 डिग्री खटाक से, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मोस्टली अल्काइन रहेगा, तो दिस इज नॉट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दिस इज कुचरोव रिएक्शन, ठीक है। जो भी है प्रोडक्ट आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब NaBH4 के साथ रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब वो NaBH4 के पहले कीटोन रहा होगा, सही बात है, और कीटोन फॉर्म कैसे हुआ होगा, Hg2+ H+ है ना, कुचरोव रिएक्शन है, अल्काइन रहा होगा आपका रिएक्टेंट, एल्कीन में क्योंकि अल्कोहल बनता है ना, अल्काइन टॉटोमराइज हो जाता है। तो एक मेरे को अब इसमें क्या दिख रहा है कि ए अल्काइन है, बी अल्काइन है और सी अल्काइन है, ठीक है, मैं नीचे के पार्ट से ही चल रहा हूँ। ए अगर अल्काइन होगा तो मेरे पास एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड विल गिव मी 1 डिग्री अल्कोहल, तो ए इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बी पार्ट मेरे को क्या देगा, हाँ बी पार्ट हो सकता है सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसका मेरे को कीटोन मिलेगा बीच में कहीं पे भी, ठीक है, और वो उसका अल्कोहल बन जाएगा 2 डिग्री, तो ये हो सकता है। सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि सी वाले ऑप्शन में एसीटोन मिलेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। डी तो एल्कीन है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अभी बी और सी में से कैसे डिसाइड करें, तो बी और सी में डिसाइड करने के लिए आपको ए पहला रिएक्शन बताएगा, Ag2O के साथ प्रेसिपिटेट टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन होता है, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन Ag2O के साथ प्रेसिपिटेट देता है क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड Ag+, ये प्रेसिपिटेशन होता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, तो आंसर विल बी C क्योंकि वो टर्मिनल अल्काइन है। डन,
कैसे सोचेंगे, समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, और बताओ टॉपिक टू के आगे। हाँ तो प्रणव Ag2O इपॉक्सी भी देता है, ठीक है, लेकिन अल्कीन के साथ देता है, अल्काइन के साथ नहीं देता। Ag2O अगर तुम्हारे पास क्लोराइड है, ठीक है, तो क्लोराइड के केस में वो चाहो तो आपको ये भी बना के दे सकता है, ईथर है ना, अल्काइल क्लोराइड है। और अगर जेम जेम वाला कंपाउंड है कि जेम डाइहलाइड है, जेम बोल रहा हूँ, विसिनल डाइहलाइड है, तो विसिनल डाइहलाइड है तो एल्कीन भी बना सकता है, ठीक है। और अगर मॉइस्ट होगा तो मॉइस्ट के केस में आपको अल्कोहल भी मिल सकता है। एजिट वो बहुत सारे काम करता है, इसलिए आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा वाला रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट ने ये क्लियर कर दिया कि एल्कीन तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, सीधा 17 जाए क्या? 17 के पहले और कोई डाउट नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, श्रिया का क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन 2 करते हैं फिर क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है। सुमित अश्वथ, 78 से 2020 PYQ बुक PDF मिल गया, अरे वाह। अरियंत का है, दिशा का अच्छा नहीं है क्योंकि अरियंत का है तो शेयर कर दे, दिशा है ना। चल शेयर तो कर दे, क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। चलो ठीक है, ब्यूटूइन ऑन रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विल गिव अल्कलाइन KMnO4 के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर बोला है, ठीक है, तो ये ना ना बेयर्स नहीं होगा, बेयर्स तो फिर होता है ना डाइल्यूट के साथ होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, अल्कलाइन के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब ओजोनोलिसिस हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोल दो, ठीक है। मोस्टली इसका आंसर एसिड होंगे, दो एसिड, क्या डी, नहीं, सी होगा इसका आंसर, सी, ठीक है। चेक कर लो आंसर क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे चले, 5th के पहले किसी का कोई डाउट? हाँ भाई, वन एसिड वन कीटोन, क्यों क्यों अक्षय, ब्यूटीन है ना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद एचसीएल यील्ड्स मेजरली एन एंटी मार्कोनी कर्व प्रोडक्ट, क्या बात कर रहे हो, एचसीएल के साथ एंटी मार्कोनी कर्व प्रोडक्ट, ओह नाइस, बताओ। आंसर क्या है इसका, डी दिल्ली होना चाहिए, डी है ना। आप यहाँ पे देखो बाकी सारे के केस में आपके पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, सब लोग यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे, टर्मिनल पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो डेफिनेटली एच प्लस पे यही वाला अटैक करेगा, ये चीज अमीन के केस में भी पॉसिबल है, ये चीज टू सी एच थ्री के केस में भी पॉसिबल है, लेकिन सी एफ थ्री इज अ माइनस आई ग्रुप, सी एफ थ्री माइनस आई के चलते आपका जो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो ये एच प्लस पे अटैक करेगा, तो सी एल माइनस यहाँ पे जुड़ेगा तो आपको एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ किसका डाउट था? किसका था डाउट बता दो ना। आगे बढ़े, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन होता फिफ्थ के बाद? सुमित का था ना, ठीक है। कार्तिक का डाउट है 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग, बढ़िया क्वेश्चन है, गिव्स 5-केटो-2-मिथाइल-हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। ठीक है, 5-केटो-2-मिथाइल-हेक्सेनल। ठीक है, 5 पे कीटो है, 2 पे मिथाइल है, हेक्सेनल जोड़ दो। ऐसे में हमेशा है ना नंबरिंग करने का, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 1 और 5 जुड़े हुए हैं, तो कैसे देखेंगे 1 और 5 जुड़े हुए? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और CHO है, ठीक है, इसके ऊपर तो मिथाइल होगा तभी ये कीटोन बनेगा। ठीक है, टंग टंग टंग, दिस इज 1, 2 के ऊपर मिथाइल, 3, 4, 5 के ऊपर ये छठा, ये मिलना चाहिए, ये इसका प्रोडक्ट है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी बॉम्बे ऑप्शन है, डी सॉरी बी, क्या डी बोल रहा, समझा क्या? किसका डाउट था 10th? कार्तिक कैसा डाउट पूछ रहा, अरे ट्राई नहीं मारा तूने जरा भी, ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन था 2015 मेंस। चलो आगे बताओ, नोमेनक्लेचर वीक है ले भाई, इसमें क्या नोमेनक्लेचर है, ये इतना वीक है तो तेरे को नोमेनक्लेचर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अरे भाई क्या कर रहा, मॉर्निंग वाला सेशन अटेंड कर ले मेरा, 6 बजे अभी नोमेनक्लेचर चल रहा है? उससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा सकता, मैंने देख लिया, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है। अरे लिंक नहीं आता, नहीं मैं अभी मंडे का लिंक तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कल इवनिंग कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है श्रिया का, सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग अ ब्रोमो एल्केन इनटू मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड एंड एन अल्काइन, द ब्रोमो एल्केन एंड अल्काइन रिस्पेक्टिवली। अच्छा एक मिनट मेरे को लिखने दो क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। 3 ऑक्टाइन बनाना है और ब्रोमो अल्केन एंड सोडियम अमाइड, ब्रोमो अल्केन इन टू मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड एंड एन अल्काइन। ठीक है, 3 ऑक्टाइन है, कितने हुए, 6, 7, 8, जगह नहीं है। ठीक है श्रिया, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक अल्काइन है, सोडियम अमाइड यहाँ पे क्या करेगा पता नहीं। अच्छा सोडियम अमाइड, इट इज NaNH2, सॉरी 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 माय मिस्टेक, सोडियम अमाइड यहाँ पे बेस का काम करेगा, ठीक है, NaNH2 है यहाँ पे, एक अल्काइन है और एक हेलो अल्केन है। ठीक है, ऐसा जब भी माहौल दिखे ना तो समझ जाना अल्काइन मोस्टली टर्मिनल अल्काइन होगा, टर्मिनल अल्काइन NaNH2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, अल्काइनाइड, थर्ड पे है ना, तो या तो ये वाला होगा या तो फिर यहां से होगा CCC 1 2 3, CCC 6 है ना, ऑक्टाइन है, ये दोनों में से अल्काइन बनेगा, अल्काइनाइड बनेगा। श्रिया आर यू विथ मी, यहां तक सब लोगों को समझ में आ रहा है, NaNH2 बेस है बस, टर्मिनल अल्काइन को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगा। अब इसके साथ अगर ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है,
तो हेलो अल्केन में कितना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो वहां पे 4 होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कितने, 6 है तो यहाँ पे 2 होने चाहिए। तो या तो ये वाला या तो ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देख लो। आंसर डी दिल्ली दिख रहा है मेरे को तो। है? सही है, ठीक है। चलो 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हाँ, एटम्स काउंट करके भी गेस कर सकते हो, डेफिनेटली। मैं तुमको बता रहा हूँ कि सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। एटम्स काउंट कर लो, अल्काइन का पोजीशन देख लो, है ना, सेम ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नीट वाले लोग देख रहे हैं ना, भले आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया होगा, लेकिन आई थिंक आपको आइडिया लग रहा है। दीज आर नीट लेवल क्वेश्चंस एज वेल, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई भी अभी तक मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेंड बाय ब्रोमिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। हो गया क्या, इसके आगे अटेम्प्ट किया ही नहीं है क्या? कार्तिक का सीधा 31st डाउट है, 31st के पहले किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसा। सिया का डाउट है 18, 18 के पहले और कोई डाउट नहीं है, 13 के बाद 18। दो तीन लोग ही पूछ रहे हैं, हाथ रेस तो काफी लोगों ने किया था, शायद डाउट नहीं आया किसी को। क्या प्रणव, तेरे डाउट क्या है? अजिंक्य किधर है, अजिंक्य किया था क्या? अश्वथ के डाउट है 22 और 26, चलो ठीक है। ऋषिकेश के 39th में, ठीक है चलो, एक बार 18 खत्म करते फिर आगे बढ़ते। अल्कोहलिक के ओ एच एंड एन एन एच टू सेम काम करते हैं ना? काम तो दोनों सेम करते हैं, एक लेकिन बहुत स्पेसिफिक जगह पे तुमको एक रिएक्शन देखने मिलेगी, टेट्रा क्लोरो वाले केस में। टेट्रा क्लोरो नहीं, जेमिनल वाले केस में बात करेंगे उसके। हेक्साइन है, 2 हेक्साइन है, गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट, खत्म। क्या कर रही हो, ये किसका, श्रिया का डाउट है नहीं है? क्या कर रही हो श्रिया, ये कौन है? सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन। अब आप बोलोगे सोडियम तो दिख नहीं रहा है, अल्काइन से ट्रांस अल्किन बनाना है तो बर्च रिडक्शन है, सोडियम नहीं दिख रहा तो लिथियम भी तो वो काम कर लेगा ना, सही बात है, क्लियर हुआ? चलो, वो किधर है, असीम, असीम देशपांडे, होमवर्क किया है क्या तू? किसी पे एमएस चौहान किया है? है क्या? नहीं, क्लास में चले गए लोग बहुत सारे। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन करना है, डाके बैठा है, डाके के डाउट। जब लिथियम एंड सोडियम फ्री रेडिकल में रिएक्ट होते हैं, उनको फ्री रेडिकल में कौन लेता है? फ्री रेडिकल में कौन लेता है, मतलब अक्षय, वो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, उनको फ्री रेडिकल में लेने का कंसेप्ट मैं समझा नहीं, मतलब क्वेश्चन। प्रणव, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जेई में, एडवांस के क्वेश्चन कुछ अलग लेवल हो सकते हैं, थोड़ा एक लेवल अप, बट एमएस चौहान लेवल के क्वेश्चन नहीं आते जेई में, ठीक है। दे नहीं, नहीं दे दे एग्जिस्ट, कैसे बोलूँ यार, सोडियम फ्री रेडिकल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो वो तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दो सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो आपका जो सी एच बॉन्ड होता है, वुड्स रिएक्शन में याद कर अक्षय,
दो सोडियम प्लस में जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें जाते हैं वुड्स के केस में, वुड्स का केस नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज वो फ्रैंकलैंड के केस में होता है, वुड्स के केस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। वुड्स के केस में क्या होता है कि सी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, सी डॉट बना देगा और एक्स अपना डॉट और एक इलेक्ट्रॉन लेके एक्स माइनस बना देगा, ठीक है। बट ये मैकेनिज्म में लिथियम फ्री रेडिकल मेक्स एल आई प्लस एंड इलेक्ट्रॉन ना, हाँ तो सोडियम फ्री रेडिकल भी क्या है, सोडियम भी क्या करेगा, एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, लिथियम भी वही काम करेगा, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। कोमल फाइट मारते रहो, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो, टाइम लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आदत लग जाएगी फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से सोच के बता, कोई इशू नहीं है, बात करेंगे। चल अगला क्वेश्चन 22 है ना, 22 है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टू एल्कीन, बहुत अच्छा है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है देख ले रहे, ठीक है। यश का कहना है लिथियम इज मोर रिएक्टिव सो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सोडियम लिथियम मतलब दोनों अच्छे लेवल के ही रिएक्टिव है, ठीक है, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़े, ये वाला डिस्कस करें। पेरोक्साइड के केस में HCl और HI क्यों रिएक्ट नहीं करते, HBr ही क्यों करते, ठीक है। तो कहा जा रहा है बोथ आर हाईली आयोनिक, ये तो नहीं है, वन इज ऑक्सीडाइजिंग अदर इज रिड्यूसिंग, ये क्या बकवास है। वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस, ऑल द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन बोथ द केसेस, ठीक है। नहीं, ऑल इसका आंसर क्या दिया, सी दिया दिया होना चाहिए, है सी है ना, करेक्ट। तो अपन एक बार रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करते हैं, ठीक है, थीके? थोड़ा सा ब्रोमिनेशन का, अगर अपन एंटी मार्कोनिक ऑफ ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का मैकेनिज्म है ये, ठीक है। R2O2 जो होगा पेरोक्साइड जो होता है ना, इसको मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 22, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मतलब दिस इज कॉन्सेप्ट, ये कई बार हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, सेम रीजन अल्कोहल वाले चैप्टर में बोल सकते हैं, नहीं अल्कोहल का अलग है, रुक जा, ये सिर्फ ब्रोमिनेशन वाला है, ब्रोमिनेशन HBr, ये मतलब सिर्फ HBr के केस में बोलूंगा मैं, ठीक है। तो R2O2 तुम्हारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म करता है 2RO डॉट, ठीक है। अब ये RO डॉट आगे रिएक्ट करेगा किसके साथ, HBr के साथ, तो HBr के साथ रिएक्ट करके तुमको पहली बार देगा यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है, H2O प्लस, H2O नहीं, R2O नहीं, RO, सॉरी ROH प्लस Br डॉट। अब ये Br डॉट आगे रिएक्ट करेगा अपने लेट से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। अब इसके केस में अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर मार्कोनिकोव एडिशन होता तो अपने को पता है कि एल्कीन पहले अटैक करता है एच प्लस पे और फिर बी आर माइनस अटैक करता है सी एच पे, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, बी आर डॉट के साथ इसका रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा CH3 CH के ऊपर डॉट CH2 Br। अब ये जो स्टेप्स है, अब अगला स्टेप क्या है, ये आगे एच प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, एच बी आर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको अल्केन मिल जाएगा और साथ में बी आर डॉट मिलेगा, एंड सेम कहानी आगे बढ़ते जाएगी, अल्केन नहीं हेलो अल्केन। अब इसमें जो है ना आयोडीन वाला जो केस है, आपको याद आ रहा है कि आयोडीन वाली रिएक्शन में अपन ने एक चीज देखा था कि वो रिएक्शन में इट्स अ बैकवर्ड रिएक्शन, HI वाली जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड थी, मतलब रिवर्सिबल थी, है ना। HI रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि वो I माइनस बड़ा होता है, टूट जाता है, पीछे आ जाता है, तो आपको वो इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट करवाना पड़ता है, बराबर है, इक्विलिब्रियम में था, राइट। तो I माइनस इधर ये वाली रिएक्शन में I माइनस मार्क आ जाता है इस वाले पार्ट, ठीक है।
और सीएल जो है, सीएल इस वाली रिएक्शन में मार खा जाता है कि सीएल डॉट फॉर्मेशन वाला जो केस है, ठीक है, ये मतलब आप कोई भी पेरोक्साइड का जो होता है फ्री रेडिकल, वो एचसीएल से एच निकाल के सीएल डॉट नहीं क्रिएट कर सकता। सीएल डॉट हमको जब जब बनाना है, हमने क्लोरीन का क्लोरीन के ऊपर एच न्यू डाला है, ठीक है, तो ये दोनों केस में ये नहीं हो पाता का मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शन हीट मांगती है, ठीक है। तो HCl अगर Cl होता तो ये बन जाता, अच्छे से बनता, खुशी से बनता, आपने ये देखा भी है राइट, कि अगर Cl यहाँ पे अटैक करना चाहे Cl अटैक कर देगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। I वाला ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा और Cl वाला ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों की रिएक्शन में एक स्टेप ऐसा है जो एंडोथर्मिक है, तो इसलिए डी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। डी आंसर कहता है कि ऑल द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन एक्सोथर्मिक, बोला तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है। श्रिया बोल रही है नहीं समझा, श्रिया सुनो ध्यान से, HCl जो है ना, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ, HCl से Cl डॉट बनाना डिफिकल्ट है, दिस इज डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी बात कि आप ये जो रिएक्शन है जिसमें अपन जनरली क्या बोलते हैं आर, आप ऐसा सोचो कि आर आई फॉर्मेशन जो है, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड जो है ना, अल्काइल आयोडाइड ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है, आयोडीन छोड़ देता है, ठीक है, आयोडीन छोड़ देता है, तो कई बार आपको अगर अल्काइल आयोडाइड हो ना, कई बार आपको अल्कीन भी मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट, बिकॉज आई माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये दोनों के केस में, ठीक है, जो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनाने वाली जो कहानी है, वो ये दोनों के केस में डिफिकल्ट हो जाती है, एंड दोनों का एक एक स्टेप ऐसा है। इफ द क्वेश्चन वुड बी डू दे परफॉर्म एंटी मार्कोनी का, द आंसर वुड बी यस, बिकॉज विथ हाई टेम्परेचर एज एक्सटर्नल। हाँ, मतलब अगर आपको एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना, देखो एक चीज तो क्लियर है हमेशा, ऋतुजा नेवर से नेवर इनऑर्गेनिक है ना, प्रोडक्ट तो मिलेगा आपको, एंटी मार्कोनी का बनाना ही है तो बना ही लोगे। साहिल कह सकते हो कि बीआर के साथ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे स्टेप एक्सोथर्मिक है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, सारे स्टेप बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है साहिल। श्रिया को समझा क्या, बाकी लोगों को समझ में आया क्या, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये कभी हम लोग पूछते नहीं है, खराश इफेक्ट क्यों HBr शो करता है, क्यों HCl और HI नहीं शो करता, ठीक है। आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन एक बार देखना एनसीईआरटी में, शायद एक आध लाइन में दिया हुआ है ये एक्सप्लेनेशन तो है, आई होप सो। ये कौन है बाबा, वाकड़े 01NE88, तूने रोल नंबर के साथ ऐसे ऐसे मस्ती करते हैं, फोटो खींच लेगा, बहुत गाली खाएगा, बोथ में हीट इसलिए एंडो, हाँ सही बात है। क्या हुआ सोहम, देख ले WA01NE88, अच्छा तेरा शॉर्ट नेम है हरा भी। ठीक है, चलो भाई 22 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 26, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ हाइड्रोजन अंडर कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन, कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, है सिंपल सी बात है, अब आप बोलोगे इसमें आपको आंसर क्या दिया हुआ है, सिस वाला आंसर नहीं दिया गया, ए आंसर देना चाहिए इसका, सिस जेम ट्रांस, ये क्या लिखा है सोहम,
जिम ट्रांस नहीं समझा मेरे को, यहाँ पे सिस है। अच्छा जिम बोले तो आइसोब्यूटीन को तुम जिम बोल रहे हो? नहीं अच्छा, बाकी सब में तो अल्फा हाइड्रोजन ही ज्यादा, मतलब अल्काइल ग्रुप ही ज्यादा है, तो COD तो सबसे, मतलब आपको समझिए सबसे ज्यादा स्टेबल डी है यहाँ पे, तो डी सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, फिर सी, फिर बी और फिर ए, तो सबसे ज्यादा ए, मतलब सॉरी सबसे फास्ट ए, तो सबसे लीस्ट स्टेबल है। सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस हिंडर्ड इन ए। कह सकते हो हाइड्रोजन को हिंड्रेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता यश, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी वुड बी मोर मोर एक्यूरेट वे टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। हाँ स्टेब वो बराबर 1 डिग्री वो वाला वही है, आइसोब्यूटेन वाला एग्जांपल, ठीक है। 26 के बाद अश्वथ का कहना है 37, कार्तिक बोल रहा है 31। तेरा नाम क्या है रे? HARMI। हरीश बोलूंगा मैं तेरे को, हरीश, नाम नहीं बताएगा तू। 31 पे चलते हैं। रिस्पेक्टिवली आर हरिश्चंद्र, रामचंद्र, मीर चंदन। रुक जाता, 33 पे आता, 31 पहले खत्म करके। मैं समझा नहीं अशर, इसमें क्या, इसमें क्या डाउट क्या है इसमें? 2 पेंटाइन है, अभी क्या करें? HBr एडिशन किया है। हरीश रुक जा भाई, बता रहा हूँ, 2 मिनट तो होल्ड कर ले। C5H9Br मतलब ये मोस्टली एल्कीन ही है ना? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं बस इसमें, एक तो Br यहाँ पे है, एक तो Br यहाँ पे है, ठीक है, इसमें सिस ट्रांस, इसमें सिस ट्रांस, तो कॉन्फिगरेशनल कितने होंगे और स्ट्रक्चरल कितने होंगे? दो और चार, इसका आंसर बी नहीं है क्या? क्या आंसर है 31 का? क्या डाउट क्या हो गया अश्वत को? क्लियर है ये सबको? स्ट्रक्चरल दो है ना, लोकेशन पोजीशन वाइज, और बाकी ऐसे देखो तो सिस्टम सिस्टम चार। 33 में बोला है बेयर रिएजेंट इज, ओ रे बाप, बेयर रिएजेंट क्या है? एसिडिफाइड है मेरे ख्याल से, इसका अल्कलाइन है या एसिडिफाइड है, मैं भूल, नहीं बेयर अल्कलाइन होगा, पता नहीं, मैं तो भूल गया, अल्कलाइन है ना, डाइल्यूट होना चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन लिखा है ठीक है, लेकिन डाइल्यूट लिखना जरूरी होना चाहिए, फिर 1984 का क्वेश्चन क्या ही कर सकते। चलो आंसर अल्कलाइन है, जो है याद रखो। 33 के बाद 36, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डी कलर इज अल्कलाइन के एम एन ओ फोर। अच्छा डी कलराइज कर रहा है मतलब रिएक्ट कर रहा है,
तो सिर्फ और सिर्फ डी यहाँ पे रिएक्ट करेगा, बाकी सारे तो देखो अल्केन है और टेट्रा क्लोरो मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो भी नहीं करेगा, तो एक अल्कीन ही है डी डेली जो रिएक्ट कर जाएगा। MnO2 का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कार्तिक। 36 क्लियर हुआ क्या? प्रणव मैंने डाइल्यूट एच प्लस दिया था ना, अरे वो दोनों काम करता है यार, डाइल्यूट एच प्लस भी वो काम कर लेगा, डाइल्यूट बेस वाले में भी आपका वो कर लेगा, लेकिन बेस रिएजेंट डाइल्यूट बेस वाला है। ठीक है प्रणव, अब यहाँ पे बोला है तो अपन वही याद रखेंगे, काम दोनों कर लेगा। न्यूट्रल करेगा क्या? न्यूट्रल नहीं करेगा ऋतुजा, ठीक है, क्योंकि अल्कीन के डबल बॉन्ड को खोलने वाला कोई तो चाहिए, न्यूट्रल कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन 33 रट्टा मार लो। हाँ यार रट्टा ही मार ले, और तो क्या ही कर लेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद, 37 था किसी का डाउट? 37 अश्वथ बोल रहा है डाउट है, क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। बाप, चार स्टेटमेंट है। MONP, एनेंटिओमर, ब्रोमिनेशन, ट्रांस एडिशन, ओपी और आइडेंटिकल। अच्छा CaCl3 एक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म है ये। मैं सोच रहा हूँ दोनों, मेरे को तो दोनों रिएक्शन पूरी की पूरी सेम ही दिख रही है, दोनों में अलग क्या दिया है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ब्रोमिनेशन होगा, एंटी एडिशन होगा, बराबर है? 37, 42, 43, 46, 47, 42। करते करते 1 मिनट, 37 देखो, 37 पे फोकस कर रहा हूँ, एंटी एडिशन होगा दोनों केस में। प्रोडक्ट बना के देखना पड़ेगा शायद, मेरे को लग रहा है और कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ CH3 नीचे, H नीचे, पीछे के साइड में H ऊपर है, CH3 ऊपर है, ये Br, ये Br, ठीक है। अब ये हुआ, दूसरा केस ये हो सकता है कि नीचे से अटैक हुआ, तो आप बोलोगे सामने में CH3 ऊपर, H यहाँ, Br, अगर ये नीचे से अटैक हुआ तो नीचे ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये CH3, ये H, ये Br, इनको अपन कंफर्मर रीअरेंज करके देखे। हाँ तो ये दोनों Br एक साइड, और अगर इस साइड से देखे तो दोनों बी आर अपोजिट साइड, सही बनाया क्या मैंने? हाँ एक मीजो होगा और एक ऑप्टिकल, ये वाला जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला मीजो होगा, है ना। अब अपन ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। MONPR, टू पेयर ऑफ एनेंटिओमर्स, ये तो नहीं हो सकता। ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन, ट्रांस एडिशन,
ट्रांस एडिशन बोलते हैं इसको, एंटी एडिशन बोलते हैं, ज्यादा मेरे को याद है। ओ एंड पी आर आइडेंटिकल, वो कैसे बताएंगे? एम ओ एन एंड पी टू पेयर्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स। हाँ डी ऑप्शन तो करेक्ट ही लग रहा है ना, डायस्टीरियोमर तो है ही सारे के सारे। प्रणव ट्रांस एडिशन एंटी एडिशन सेम ही होना चाहिए। हाँ सही बोल रहा है, तो फिर तो करेक्ट होगा ना, फिर तो बी ऑप्शन ब्रोमिनेशन प्रोसेस थ्रू ट्रांस एडिशन, क्या गलत है उसमें? क्या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है क्या? हाइड द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में तो हाइड हो गया ना, क्या करूँ, ये पेज के नीचे है। करेक्ट स्टेटमेंट्स, हाँ यार मोर देन वन करेक्ट है। आंसर क्या दिया इसका? बी तो करेक्ट लग रहा है, बी भी करेक्ट लग रहा है। ओ एंड पी आर आइडेंटिकल, एम ओ एन पी, एक मिनट, एल एम एन नहीं, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम ओ पी तो एन पी तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है। ओ एंड पी आर है, कैसे डिसाइड करेंगे ओ एंड पी आइडेंटिकल है? बी एंड डी होना चाहिए बस, एम एंड एन भी तो आइडेंटिकल हो सकते हैं ना, अपने को थोड़ी पता है कि किस वाले में ऊपर से अटैक हो किस में नीचे से। दे हैव गिवन ए बी डी, ए करेक्ट दिया है। अबे यार ए क्यों करेक्ट दे दिया यार, ए तो गलत है, ए तो 100% गलत है। एम एंड ओ, एन एंड पी आर टू पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। पढ़, ए तो बकवास है। बी करेक्ट है, ब्रोमिनेशन ट्रांस होता है, ओ एंड पी आइडेंटिकल हम बोल नहीं सकते, डी वाला करेक्ट है, ठीक है। ए एंड, इसका आंसर बी एंड डी होगा। चलो आगे बढ़े, उसके बाद क्या था, 37 के बाद, 37 के बाद क्या दिया था? 37 दिया था, 39 भी है, नहीं 42 43 भी है। 39 डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज फॉर रिडक्शन ऑफ एन ओजोनाइड, ये अपन ने ये लास्ट टाइम बात किया था। किसने पूछा 39? ये लास्ट टाइम कौन बताया था? ओजोनाइड तोड़ता है जिंक वाला, पैसेज बन जाते हैं शेयर को, ठीक है ना। जिंक जैसा, जिस टाइप का वो करता है, जिंक वाटर जैसा, मतलब माइल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वैसा डाइमिथाइल सल्फाइड भी करता है, ठीक है। ये अपन ने देखा था, टॉपर पे देखा था अपन ने, सही है ये। 39 के बाद है डाउट, 42 है कार्तिक का, 42 पैसेज नंबर वन। हाँ, सुंदर पैसेज, C8H6। अच्छा PDBSO4 किया तो C8H8 डाउ निकाल के देखे क्या? डाउ से कुछ पता चलेगा क्या? H2O, HgSO4, H2SO4 किया इसने, और उसके बाद भी इसको क्या मिला? C8H8 ही मिला, क्या बकवास है, अल्कोहल नहीं मिला। एंटी मार्कोनी का होगा, नहीं मैं समझा नहीं, एक मिनट, हाँ ये रिएक्शन नहीं समझ आया। अच्छा
आपके पास C8H6 है, H2PDBSO4 के बाद C8H8 हुआ। H2PDBSO4 मतलब क्या करेगा, अल्काइन को अल्कीन में ले जाएगा, ठीक है ना, लिंडलार रिएजेंट है ये। उसके बाद B2H6 मतलब एंटी मार्कोनी का एडिशन अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड एक्स क्या होगा पूछ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली C8H6 जो है वो ये है ना, सही बनाया मैंने। और इसका एंटी अल्कीन बना, अल्कीन के बाद एंटी मार्कोनी का एडिशन तुमको देगा CH2CH2OH। तो इसका आंसर होगा सी, एक्स इज इक्वल टू सी, बराबर है यहां तक। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझे क्यों तो लग रहा है इन्होंने कुछ फॉर्मूला गलत दिया है, क्योंकि HgSO4 पे तो कीटोन बनेगा, तो C8H8O लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे C8H8O होना चाहिए था, क्योंकि HgSO4 कुछ रो रिएक्शन है सीधी सीधी, है ना। कुछ रो में आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड हो और CH3, सही है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद ETMGBr इज बेसिकली ग्रिगनार्ड अटैक करेगा, बहुत बढ़िया। CH2CH3 ग्रिगनार्ड का अटैक और यहाँ पे OH हो जाएगा। तो 42 का बाद 43 क्वेश्चन होना चाहिए, करेक्ट। मेजर कंपाउंड वाई, अच्छा, इसमें एल्कीन भी है क्या, डी आंसर है क्या इसका, डी दिल्ली, एच प्लस डाल के OH निकालना, हीट किया है क्या, आगे हीट भी किया एच प्लस डाल के, सॉरी सॉरी मैं पढ़ा ही नहीं पूरा क्वेश्चन, डी दिल्ली आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है, समझ में आया क्या ये 42, किस किस का डाउट तो क्लियर है ना। वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है उधर, C8H8O होना चाहिए। ओह काफी मिस्टेक करके रखा है, नहीं है ना मैं यार, फिर तो दिशा में ही क्या बुरा है, मैं दिशा को फ्री फंड में बदनाम कर दिया। स्कीम वन एंड टू डिस्क्राइब सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अल्काइन्स MnM, कंसीडर ओनली मेजर प्रोडक्ट फॉर ईच स्टेप, थैंक यू। हाँ, सुंदर सुंदर रिएक्शन, बताइए। 46 डाउट है, 46 किसी का डाउट है क्या, हाँ किसने डाला, साहिल ने डाला है, और किसी का डाउट है 46 47। NaNH2 एक्सेस, एक्सेस टर्मिनल अल्काइन और O माइनस दोनों पे जाएगा, वन इक्विवेलेंट CH3CH2I। आपको ये पता है क्या, मैंने ये आप लोगों के साथ शायद तो डिस्कस किया है, ROH एंड सी ट्रिपल बॉन्ड CH कौन सा ज्यादा एसिडिक है। कौन सा ज्यादा एसिडिक है, सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक है अल्काइन, तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, आरओ माइनस ज्यादा बेसिक होगा या सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस ज्यादा बेसिक होगा, आरओ माइनस। तो अब आपका NaNH2 एक्सेस डालने के बाद जब पहला इक्विवेलेंट CH3CH2I का डाला, ठीक है, तो तब कौन अटैक करेगा, समझ में आएगा क्वेश्चन, अटैक आएगा आरओ माइनस से, ठीक है। तो CH3CH2I जो है वो आरओ माइनस की जगह पे जुड़ेगा और CH3I जो है वो टर्मिनल अल्काइन पे जुड़ेगा, और फिर आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हो लिंडलार्स रिएजेंट के साथ। लिंडलार्स कैटलिस्ट आपको
क्या देगा? तुहिन क्या बोल रहा है? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, तो वही तो कंफर्म करने को बोल रहा हूँ मैं। तुम लोगों से पूछा, तुम लोग बोले अल्काइन ज्यादा एसिडिक है। ईथर तो फॉर्म होगा, बट मेरा पहला सवाल है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। कार्बन एंड आरओ एच का अनस्टेबल है। तो कंफर्म कर रहे हैं यार, ऐसा लगता है। अल्कोहल इज मोर एसिडिक ना? श्योर? कोई बोल रहा है अल्काइन ज्यादा एसिडिक है, कोई बोल रहा है अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। गूगल करना पड़ेगा, मेरे को तो याद भी नहीं है। अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन टर्मिनल अल्काइन। तो अरे ऐसा नहीं, अक्षत अल्कोक्साइड बेसिक नहीं है, जो तो दोनों बेसिक है। मेरे को जहां तक याद है अल्काइन ज्यादा एसिडिक है, कंफर्म कर लो यार। अपन ने लिखा भी था ना, कंफर्म ना, मत कंफ्यूज किया करो यार ऐसे। अरे कहीं ग्रेटर देन आर ओ एच इन बेसिक सिटी ले, ऋतुजा ने अलग लेके चलेगी। ठीक है, अल्काइन ज्यादा तो फिर अल्काइन अटैक करेगा जो है। अब आप ही बताओ। मेरिट नेशन का आंसर है। ठीक है, तो अपन उल्टा बोल रहे थे। तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, तो अल्काइन ज्यादा बेसिक है, और जो ज्यादा बेसिक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक करेगा। तब आप एम के केस में देख लो आपको क्या मिलने वाला है। दिस दिस यहाँ पे तुमको लगेगा CH2 CH3, ठीक है, और ये यहाँ पे ओ एम ई, ठीक है, और इसका सिस कंपाउंड बनेगा। अपन ने इसके बारे में कब बात किया था? अल्कोहल में बात किया था ना।
ये देखो, एसिडिटी अल्कोहल की ज्यादा है तो बेसिसिटी अल्काइन की ज्यादा है, ये दिख रहा है सबको। अल्कोहल की एसिडिटी अल्काइन से ज्यादा है तो बेसिसिटी अल्काइनाइड की एसिड से, अल्कोहल के मतलब अल्कोक्साइड से ज्यादा रहेगी। तो पहले अल्काइन अटैक करेगा और फिर अल्कोहल अटैक करेगा, ठीक है। तो अपन जो भी कर रहे थे सही कर रहे थे, ठीक है। अभी वाला ये है, दूसरा वाला केस क्या? अच्छा, H2 डाला और फिर NaNH2 डाला। नहीं, NaNH2 अगले क्वेश्चन पे। अब मुझे इसमें नहीं पता, सेकेंड पार्ट में 2 NaNH2 क्यों डाले, उसमें निकलेगा तो एक ही। ठीक है, दूसरा NaNH2 शायद ये बनवा देगा, क्योंकि जो आपका OH है, OH का H निकाल के NGP करा देगा और BR को भी भगा देगा। अब इसके बाद ये अटैक करेगा लेस हिंडर्ड पे, ठीक है। H3O+ डाला, H2PdC डाला और CrO3 डाला। तो जो H2PdC है वो तो एल्कीन बना देगा, और जो आपका CrO3 है वो एल्कोहल को फिर से ऑक्सीडाइज करना चाहिए। अरे बाप रे, दुख दर्द में जी आ रहा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा यहाँ पूछा जा रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन अब चालू है, पता है ना। बाप रे बाप, दिस इज कंपाउंड वाई। अब ये जी एडवांस है, नीट वालों टेंशन मत लेना, एडवांस का ये नहीं क्वेश्चन, फाइव का क्वेश्चन है। तो लिंडलास रिएजेंट डाल दिया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, ठीक है। पूछा जा रहा है टॉलेंस पॉजिटिव कौन देगा, एक्स तो नहीं देगा, एक्स टॉलेंस नहीं देगा, वाई टॉलेंस दे सकता है। दिख रहा है आपको मिथाइल कीटोन, प्रोडक्ट वाई गिव्स पॉजिटिव टॉलेन एंड इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ एक्स। ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, फंक्शनल ही हो सकता है। आयोडो फॉर्म देगा क्या वो? सॉरी, ये आयोडो फॉर्म देगा, टॉलेंस नहीं देगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये वाई वाला टॉलेंस नहीं देगा, आयोडो फॉर्म देगा और फंक्शनल आइसोमर। सी आंसर होना चाहिए 46 का। 46 का आंसर सी है क्या? टॉलेंस तो यार एल्डिहाइड देता है ना। हो गया, मेरा बैटरी लो हो रहा है। तो 46 जो है, इट विल गिव पॉजिटिव आयोडो फॉर्म एंड फंक्शनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ईथर है ना, ये देखो, ये OME वाला जो पार्ट है ये ईथर है, ठीक है, और ये कीटोन है, तो फंक्शनल आइसोमर। 46 किसका डाउट था, क्लियर हुआ क्या? 46 47 पूछा जा रहा है। अच्छा, एक्स प्रोडक्ट क्या है पूछ रहे हैं सीधा 47। एक सेकंड, सॉरी, आखिरी था H2 लिंडलार्स कैटेलिस्ट। लिंडलार्स कैटेलिस्ट बोले तो सिस कंपाउंड रहेगा, प्रोडक्ट जो भी रहेगा अपना सिस रहेगा और OME लगा रहेगा, तो आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। दिस इज सिस, मैं घाई किया था, तो OME पीछे और सिस, ए आंसर होना चाहिए 47 का, ठीक है। 46 47 किसका डाउट था, क्लियर हुआ क्या सबको?
मजा आ गया, मजा आ गया पूरा, एकदम मजा आ गया। चलो 52 पे जाते हैं। फिफ्टी टू, एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये है एसिटिलीन, सोडियम लिक्विड अमोनिया एक्सेस में डालोगे तो क्या ही करेगा ये बर्च रिडक्शन नहीं करेगा। हाँ टर्मिनल अल्काइन दे देता है सीधा सीधा, ये मिलेगा आपको। द प्रोडक्ट इज रिएक्टेड विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। वाह वाह वाह, द फाइनल प्रोडक्ट इज, क्या ही बोले, मिथाइल आयोडाइड, दोनों साइड से SN2 हो जाएगा। ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, टू ब्यूटाइन। ठीक है, क्वेश्चन 52 क्लियर है सबको? ठीक है, 59। ये बॉम्बी कॉल करना याद से सॉल्व करना। 57 बॉम्बी कॉल इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है। 57 डाउट है, पहले नहीं पूछा, अब नहीं बताऊंगा। 59 बोला था ऋषिकेश, उसके पहले किसी ने 59 7 नहीं बोला। हाँ मैं बताया तब बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। टाइम नहीं दिया मैंने। हाँ ओ भाई, मैं कहता हूँ एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट ब्रेक। कितने क्वेश्चन है और है ना, कर लेते 5 मिनट, दो मेरे को, मुंह धो के आता हूँ। ठीक है।
चले स्टार्ट। हाँ हाँ फ्रेश हो गया, थोड़ा नींद से आने लग गई थी। पहले कौन सा बॉम्बे कॉल करे डिस्कस? इसने तो बहुत क्वेश्चन काट दिया है। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड बॉम्बे कॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। ऐसे द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑन हाइड्रोजनेशन बॉम्बिकॉल गिव्स कंपाउंड ए व्हिच रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव एन एस्टर। ठीक है, बॉम्बिकॉल ऑल्सो रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव अनदर एस्टर व्हिच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड ऑक्सैलिक एसिड 10 एसिटॉक्सीडेकेनोइक एसिड। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन बॉम्बिकॉल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए एंड बॉम्बिकॉल एंड हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर बॉम्बिकॉल। यूज क्या है बॉम्बिकॉल का? इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन सच, एक्चुअली क्वेश्चन मैं भूल गया इसका, बॉम्बिकॉल वाला क्वेश्चन इन्होंने खा दिया है। फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ मॉथ प्रोड्यूसेस अ केमिकल कॉल्ड बॉम्बिकॉल। ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव बोल के काम खत्म कर दिया भाई इन्होंने। चलो ठीक है कोई ना। चलो ठीक है, सी अपन है ना बी पार्ट पे फोकस करते हैं। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर सीईटी, नॉट फॉर नीट, ओनली फॉर जे। O3H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ ओजोनोलिसिस मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। आपको मिक्सचर ऑफ क्या क्या मिल रहा है? ब्यूटेनोइक एसिड मिल रहा है, ऑक्सैलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है, और आपको मिल रहा है 10 एसिटॉक्सी डेकेनोइक एसिड। तीन तीन ये हुआ डेकेनोइक एसिड और 10 पे एसिटॉक्सी। ये हो सकता है एसिड ऑक्सी टेंस पे लगा हुआ है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पूछा गया है। अब ऐसा सोचो कि अगर ये लिंक यहाँ पे जुड़ा हुआ है
और ये लिंक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो दो ही लग रहे हैं। क्या कितने आंसर क्या है? प्रणव बोल रहा है एडवांस में कॉमन नेम नहीं आते अपने। अरे कॉमन नेम का मतलब ही नहीं ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को नहीं मालूम बॉम्बी कॉल क्या है, बट कोई लेना देना ही नहीं है ना उससे अपना। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है इसमें? दो है क्या? दो डबल बॉन्ड। सोहम तू किसके लिए हाँ बोला? कितने लोग बचे यहाँ पे यार? 130 लोग बचे हुए। क्या ये मतलब बैकग्राउंड में चला के रखे हो क्या? बोलते हुए बाल वाले सर बढ़िया लगते हैं बैकग्राउंड में चलते हुए। 77 के बाद आई हैव नो डाउट सो आई कैन लीव। हाँ ठीक है, नहीं बाल वाले सर नहीं। अभी कितने लोग थे सवाल होते बाल कब कटवा? तुम लोगों की क्लास में पूछा कब पूछा? पता नहीं आज 11th वाले क्लास में पूछा शायद। बाल कटवा लू अभी। तुम लोगों को इंजीनियर बनना है, तुम में से कोई अच्छा हेयर आर्टिस्ट बनता तो मैं बोलता कि हाँ भाई मेरे बाल प्लीज। क्या आंसर क्या है बताओ? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या लिखा हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 57। या पूछ रहे व्हाट इज हेयर आर्टिस्ट? यार हेयर आर्टिस्ट उनको क्या बोलेंगे? उनको मैं जिनसे बाल कटवाता हूँ ना जितना चार्ज करते हैं ना, हाँ स्टाइलिस्ट, वही वही वाले। तो आर्ट मेरे आर्ट ही है, मेरे बालों के साथ काम करना इज नॉट अ छोटा मोटा काम। एक एक ऐसे निकाल निकाल के वो कटिंग करनी पड़ती है। आलिम हाकिम गया नहीं इतने में तो वो बहुत दूर पड़ जाए। ठीक है कोई कोई पर्सनल लोग है। चलो प्लीज थोड़ा फोकस करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। आंसर नहीं दिया है? जू पे शिवास पे जाओ यार। कर्ली बाल के साथ लोग मजाक कर देते पता है, मतलब कितना भी बड़ा कितना भी माहौल वाला सलून बना ले, कर्ल्स मेरे को नहीं लगता लोगों को हैंडल करना आता है। ठीक है एक डबल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड इधर, भाई देख लो दो डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोला तो 2 to the power 2 4 आइसोमर्स होंगे। ठीक है सॉल्यूशन में कुछ अलग ही आया है, क्या आया है अक्षय? नहीं अभी कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर अपन ने नहीं बनाया। ठीक है कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर नहीं बोला, मैं सिर्फ डबल बॉन्ड गिनवा रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन में स्ट्रक्चर दिया है तो मेरे को नहीं पता, अभी अपन ने नहीं गए। ऐसा बेस्ट रिजल्ट मैं तुझे सच बता रहा हूँ, कर्ल्स आर नॉट इजी टू मैनेज, मतलब इजी टू कट। डेकानोइक एसिड दिया हुआ है प्रोडक्ट, क्या बात कर? हाँ डेकानोइक एसिड नहीं, अल्कोहल होना चाहिए प्रोडक्ट तो। C16H34 है ना, और ये नॉर्मल अल्कोहल है ये। ये देखो यहां से लेके अल्कोहल शुरू होगा, एक टर्मिनल पे अल्कोहल है क्योंकि ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से आया है। ठीक है अक्षय ने जवाब भेजा है, सही है सही है ना? यहाँ पे देखो मैं नंबरिंग करके दे रहा हूँ तुमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे एक डबल नहीं सॉरी ये 10, 10 पे एक डबल बॉन्ड होगा, ये 11 है ये 12 है। ठीक है ये 13 है ये 14 है ये 15 है और ये 16 है।
तुमको प्रोडक्ट में 10 पे डबल बॉन्ड मिलेगा और 12 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ ओ एच, इसमें मैं लिख देता हूं 8, 10 पे डबल बॉन्ड, 12 पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद कितने, उसके बाद 4 नहीं 3, ये आंसर होना चाहिए। आर्मी कट, अबे मैं आर्मी कट कराऊंगा, आर्मी शर्मा जाएगी, क्या बात कर रहा है तू, हरीश रामचंद्र मीरचंदानी, प्लीज लेट अस नॉट गो ओवर देयर, ऐसा ना हो तुम लोग मुझे पहचानने से इनकार कर दो। 1, 10, 8, 9, 9 और 2, 11, 11 और 2, 13, 13 और 3, 16, दिस इज द आंसर, दिस इज बॉम्बी कॉल, देख लो चेक कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 59, 57 क्या, 59 था ना डाउट, सर नाम का मजाक मत उड़ाओ। हाँ दोस्त, हरीश ट्रिक के छोड़ देता तो बढ़िया था ना, तूने ही हरामी से शुरू किया, मैं क्या करूं अभी, बदमाश है लड़का। 59 पे आ जाओ भाई, Br2CCl4 क्या होएगा, नहीं, आतिफ कोई नहीं है, Br2Cl2, उसके बाद NaNH2, उसके बाद HgSO4, H2SO4, चलो देखो जरा ध्यान से, 59 किसका डाउट है, डाउट है तो डिस्कस करूंगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी नाइन डाउट है, नहीं है, अरे कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा यार, क्या हो गया, ऋषिकेश का डाउट है, ब्रोमिनेशन किया ठीक है, विसिनल डायब्रोमाइड, विसिनल डायब्रोमाइड में NaNH2 डाला, NaNH2 क्या करेगा, अल्काइन बना देगा ठीक है, अल्काइन में HgSO4 डाला, कुछ रो कीटोन बन गया ठीक है, सी है, सी में NH2CO NH2 डाला, कीटोन NH2CO NH2 के साथ क्या कर रहे, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं, Br2CCl4 फिर NaNH2, दो बार एलिमिनेशन, दो बार एलिमिनेशन के बाद आपको मिला अल्काइन, अल्काइन में कुछ रो तो कीटोन, कुछ रो डन, अभी उसके बाद सी, सी के बाद क्या है देखो जरा ध्यान से, सी जो है NH2CO NH2 डाला है, NH2CO NH2 क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन CO NH2 ठीक है, जहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना वहां पे NH2 जुड़ जाता है, अजिंक्य नहीं आया, नहीं अच्छा इसलिए कुछ रहो नहीं हुआ। अब इसमें NaOD D2O डाला, अभी क्या होगा, NaOH D2O एक्सेस, D से E में क्या होगा, C2D, नहीं समझा, C2D में कुछ नहीं हुआ, जो NH2 होता ना, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ये है आपका C ठीक है, जब भी आपके पास C डबल बॉन्ड हो रहे और कोई भी रिएक्टेंट है जिसमें NH2 और जो भी लगा हो, तो आप क्या करते हो, हाइड्रोजन और ये वाटर निकाल देते हो, C डबल बॉन्ड N बना देते हो,
साहिल समझ में आया क्या सी टू डी? ठीक है, अभी अभी क्या करें, इसका क्या सवाल क्या है, इसमें सब लिखना है। ई प्रोडक्ट क्या है बताना जरा। NaOH क्या करेगा? NaOD है, एक्चुअली OD है, Nd2O है, वो NH2CO NH2 है ना? हाँ NH, अच्छा NH2 NHCO NH2 है। हाँ हाँ सही बात है, NH2 NHCO NH2 है। अभी यार NH2 NOCO NH2 है, तो यार ये NH के साइड से जुड़ेगा। ठीक है, NH2 में जिस साइड पे NH है ना उस साइड से जुड़ेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां से न्यूक्लियोफिलिक मतलब NH2 का अटैक ज्यादा आसानी से होगा। अब इसके बाद वाला स्टेप सोचो क्या होगा। NaOD, NaOH मोस्टली वापस कीटोन ही मिल सकता है, मतलब डबल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड एन बेस के प्रेजेंस में टूट जाता है। डी प्लस अटैक्स एट ओ, डी प्लस अटैक्स एट ओ किसे? CD3 NH2 तो निकलेगा, हाँ NH2 पक्का से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। डी से ई में OD माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2, वो तो निकल जाएगा। सी डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन किसी ने बोला यहाँ पे CD3 हो जाएगा, बोल रहे हो क्या? सोहम बोल रहा है CO को CD3 लगा हुआ, CD3 लगा हुआ है। हाँ सही बात है, टॉटोमराइज होगा CD3 हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। ये तीन हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी डी लगना चाहिए फिर तो। आंसर चेक करो इसका, NaOH D2O में यहाँ डी और यहाँ डी, कुछ भी नहीं है यार, टॉटोमरिज्म किया, टाइम पास किया। सही है आंसर, सही है, तो कुछ नहीं बना, वापस आपका नॉर्मल कीटोन बन गया था, वही वाला जो रिएक्टेंट था, और उसके अंदर OD माइनस D2O में टॉटोमरिज्म कर दिया, तो टॉटोमरिज्म में जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन थे वो सारे रिप्लेस हो गए। ठीक है चलो, 59 डन, सीधा 77 पे आ जाओ। हरीश को जाने दो, 77 उसका बस एक ही डाउट है, बोल रहा है 77 करके वो निकल जाएगा। टू ब्यूटाइन और वन ब्यूटाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट है, कितना सस्ता सवाल है। हाँ टू ब्यूटाइन वन ब्यूटाइन, Ag2O डाल दे, टर्मिनल ब्यूटाइन के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। टॉलेंस रिएजेंट डाल दे, टर्मिनल के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ टॉलेंस से भी हो जाएगा, वही काम होगा, खत्म। ठीक 77 मिल गई तेरे आत्मा को शांति।
चलो और बताओ, 59 के बाद क्या था? और ठीक है भाई, हरीश रिएजेंट का लिस्ट भेजो, टाइम लगेगा दहा के बनाने में। नीट का तो नीट का ही सही। अच्छा वो वैसे नीट वाला देखता हूँ एक बार, कहीं लिखा है, जो जो मिलता है मैं तेरे को भेजता हूँ, डन, शेयर कर दूंगा। सीटी से? अच्छा और बताओ, और कौन से डाउट है? क्लियर हो गए सारे अश्वथ? चलो कितने लोग रुके हुए हैं? 110 लोग। अरे कमाल यार, काफी लोग रुक गए, क्या बात कर रहे हो। इतने लोग अगर होमवर्क करके बैठे होते तो उनका ज्यादा फायदा होता है। वो समझ में आया कि यार कितने सारे क्वेश्चन थे, और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अगर ध्यान, इन 77 वी कैन ऑल्सो यूज सीयू अमोनियम कॉम्प्लेक्स। प्रणव सीयू अमोनियम कॉम्प्लेक्स यूज कर सकता है, कॉपर का अमीन कॉम्प्लेक्स। गूगल, ठीक है कोई इशू नहीं है। इधर कॉपर का गूगल वॉशरूम के अंदर घुस रहा है। 83 कर दूँ? आउटलाइन द रिएक्शन सीक्वेंस फॉर कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथाइन। नंबर ऑफ स्टेप्स शुड नॉट बी मोर देन टू। बताओ भाई, इथीन से इथाइन बनाना इसको, और दो स्टेप में। अब भी 2 मिनट पहले अपन ने रिएक्शन किया। ओए, 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 नहीं, ब्रोमिनेशन कर दो, NaNH2 डाल दो, अल्कोहलिक KOH डाल दो। सही बात है, पहला स्टेप ब्रोमिनेशन, Br2CCl4 जेमिनल विसिनल, विसिनल डायहैलाइड बनेगा, फिर विसिनल डायहैलाइड का डबल एलिमिनेशन। ठीक है चलो भाई, अगर डाउट हो गए खत्म तो आज यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, 81 अच्छा लग रहा है तो खुद से सॉल्व कर ले हरीश। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तूने डेफिनेटली ट्राई नहीं किया है। सीधा सीधा स्टेप्स मोर देन टू हो गया क्या? मतलब स्टेप्स दो, स्टेप मतलब दो रिएजेंट है। ऋषिकेश, रिएजेंट लिस्ट कैसे बनाए? रिएजेंट लिस्ट बनाने का यार इजी तरीका तो कोई नहीं है, एक एक चैप्टर लेके चालू करना, हर चैप्टर में सारे रिएजेंट लाइन से लिखना पड़ता है। 80 तक किया तो तुझे बोले, कैन वी यूज वीक बेस लाइक अमोनिया? टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक, नहीं अमोनिया काम नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा रतुजा। ठीक है, हाँ जनरली यश ऐसा भी होता है कि डबल एलिमिनेशन में पहले अल्कोहलिक KOH और फिर देन NaNH2। अरे एक मैं तुमको बता रहा था ना, एक एक ये सर्च करना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस क्या है। अगर आपके पास अल्काइन है, अगर आपके पास लेट से 2-ब्यूटाइन है, ठीक है, इस चीज को सर्च करना। 2-ब्यूटाइन है, इसमें अगर आप NaNH2 डालते हो तो 1-ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अल्कोहलिक KOH डालते हो तो 2-ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार देखो गूगल। अबे यार 1 मिनट रुको, अरे मैं बोल रहा था अल्कोहलिक KOH जो है ना, अल्कोहलिक KOH और NaNH2, पूरी सर ने सिखाया था क्या? सिखाया था, एक बार चेक करो। हाँ ये देखो गूगल, तेरे को पता है क्या? देखिए घूम रही है। इफ बॉइलिंग अल्कोहलिक KOH डालोगे तो होगा नहीं?
एग्जैक्टली क्या होगा, तुहीन एक बार रिएक्शन 2-ब्यूटाइन से 1-ब्यूटाइन में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2, है ना, और 1-ब्यूटाइन से 2-ब्यूटाइन में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ऋतुजा ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली JEE वालों के लिए है, ठीक है, नीट के लिए नहीं है, तुम टेंशन मत लेना ऐसे। अल्कोहलिक KOH और NaNH2 है ना, ये चीज एक इंटर कन्वर्जन करवाता है, ठीक है, वो चीज आप लोग ढूंढना, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते, ठीक है। मैं डिंडोरा में कहाँ से आ गया हरीश, देखा सब लोगों ने डिंडोरा, अब जितने लोग बचे देखना, बढ़िया लगा मुझे, फैन हूँ वैसे तो मैं बीबी का, बढ़िया फैन हूँ, मजा आ जाता है एकदम, कुछ तो नया एकदम अलग लेवल पे करता है, ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना, फिर तो पक्का से देखना। चलो आज का सेशन यार यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, अब मैं तो थक गया, ठीक है। अल्कोहलिक KOH टेक्स 1 alkyne to 2 alkyne, NaNH2 टेक्स 2 alkyne to 1 alkyne, सही बात है। नहीं मैंने इसलिए डिंडोरा की बात की क्योंकि आजकल एड वैड बहुत चल रहा है, नहीं डिंडोरा मैंने ऐसे ही निकाला था, मैं तो बस उन लोगों के मजे लेना चाहता था जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया था, लेकिन वो हाँ डिंडोरा देखा, अभी कई लोगों ने नहीं बोला ना, देखा तो बहुतों ने, बोलते नहीं है, रेड ब्लड कलर, ब्लड कलरेशन वाला भेजता हूँ, ठीक है। चलो खत्म करते हैं यार आज का सेशन, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर अपन आगे, गुड नाइट, बाय, डन।